शुक्लां ब्रह्म विचार सार पद्मां माद्यं जगद्व्यापिनीं वीणा पुस्तक धारिणीं अवयतां जाडन्धिकारापहं हस्ते स्वार्थकमालितं विदुतिं पद्मासनीं संस्थितां वन्दे तं परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां। नमस्कार दर्शकों, एस्ट्रोगी में आपका स्वागत है। मैं आचार्य एसएस जोशी। दर्शकों, स्वागत है आपका एस्ट्रोगी की इस खास सीरीज मासिक राशिफल में। आज हम बात करने जा रहे हैं मार्च महीने के मासिक राशिफल की। तो दर्शकों, मार्च की शुरुआत में जो हम देखते हैं वृश्चिक लग्न और धनु राशि से हो रही है। यहाँ पर जो ग्रह की स्थिति है, वृश्चिक लग्न में बृहस्पति हैं और धन भाव जो इस महीने का होता है उसमें शनि और चंद्रमा विषयोग बना रहे हैं, और जो तीसरा घर है वहाँ पर शुक्र और केतु विराजमान है। चौथे घर में सूर्य विराजमान रहेंगे, पाँचवें में बुध हैं और छठे घर में जो है मंगल विराजमान है और भाग्य स्थान पे राहु विराजमान है। तो इन स्थिति से आपकी राशि के ऊपर क्या प्रभाव रहने वाला है, इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं। और अपनी राशि के बारे में पूरी जानकारी लेने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दर्शकों, आगे बढ़ने से पहले एक खास अपील, अगर अभी तक आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करने का प्रयास करें। भविष्य में सबसे पहले हमारी वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचे तो हमारे बेल आइकन के बटन को पुश करना ना भूलें। कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के लिए सबसे पहले बात हेल्थ की होगी। हेल्थ आपका बहुत अच्छा है, हेल्थ में कोई भी दिक्कत नहीं है, बट जो मानसिक जो भ्रम हम कह सकते हैं, जो डाउट हम कह सकते हैं, वही आपको कमज़ोर कर रहा है। तो ये महीना ऐसा है कि यहाँ पर आपको उस डाउट को निकालना है। आपको कुछ भी नहीं है, आप स्वस्थ हैं। तो अगर आप डाउट निकाल लेंगे तो आप अपनी लाइफ को अच्छा जीएंगे फ्यूचर में, और अगर आप इसी डाउट में बने रहें तो बीमारी हो भी ना तो जाके हो सकती है। तो आपको केवल अपना जो गलत फहमियाँ उनसे बाहर निकलना है, तो आपका जीवन जो है, आपका जो स्वास्थ्य मार्च के महीने में काफ़ी अच्छा बना रहेगा। आगे बात करते हैं आपकी लव लाइफ की। लव लाइफ के लिए आपका जो ये समय है बहुत अनुकूल नहीं कहूँगा मैं। इसमें किसी प्रकार की अगर आपने अपेक्षा पाली हुई अपने पार्टनर से तो वो अपेक्षा ना बताएं, क्योंकि हो सकता है आपको निराशा यहाँ पर मिले। वहीं जो लोग शुरुआत करना चाहते हैं उनके लिए भी यही है कि ये समय जो है मार्च का महीना इंतज़ार करने वाला है। थोड़ा और वेट कीजिएगा और समय दीजिएगा अपने रिश्ते को, तब जाके आपकी एक मजबूत नींव पड़ सकती है। तो मार्च के महीने को आप अवॉइड ही करें, ज़्यादा बेटर है। जो लोग मनमुटाव है, जिनका काफ़ी समय से जो लोग रिलेशनशिप में तो हैं बट कभी बात होती है कभी नहीं होती है या आपसी अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं है, तो उनके लिए भी ये समय सामान्य है। मुझे लगता है कि हल्की फल्की बात रखें जो कि आपकी लव लाइफ को मजबूत बनाएंगे। आगे बात करेंगे दाम्पत्य जीवन की। दाम्पत्य जीवन वालों के लिए समय अच्छा है, इसमें कोई दिक्कत मैं नहीं देखता हूँ, बट बाहरी व्यक्ति का प्रभाव, चाहे आपका फैमिली मेम्बर हो, का मित्र हो या कोई और हो, वो थोड़ा सा आपके बीच में मतभेद करा सकते हैं, तो उसको आपको अवॉइड करना है। उसको अवॉइड किया तो आपका जो दाम्पत्य जीवन है वो मधुर बना रहेगा। आगे बात करते हैं आपके करियर की। करियर में शुरुआत करते हैं व्यापारी वर्ग से। तो व्यापार के लिए मार्च का महीना अच्छा है। थोड़ा सा आपको और प्रेशर आपके ऊपर रहेगा कार्य करने का। जो आपका व्यापार है, जो आपके क्लाइंट हैं, वो आपसे उम्मीद करेंगे कि आप और उनको चीज़ें दें और समय से पहले दें, तो वो प्रेशर आपके ऊपर रह सकता है। उस प्रेशर को अगर आपने हैंडल कर दिया तो निश्चित है कि आपका व्यापार एक अच्छी स्पीड में आगे बढ़ेगा। वहीं बात करते हैं जो एम्प्लॉय हैं, जो नौकरी पेशा कर रहे हैं, उनके लिए भी ये समय अच्छा है। उनको कोई बड़े पद प्रतिष्ठा मिल सकती है, प्रमोशन हो सकता है, ग्रोथ हो सकता है, और किसी बड़े व्यक्ति के हाथ होने से आपकी लाभ की जो स्थिति है वो बढ़ेगी। अगर आप 10 का सोचा था तो 15 भी जा सकता है, इस प्रकार की स्थिति आपके लिए रहने वाली है। जो लोग नौकरी की तलाश कर रहे हैं, जो लंबे समय से अनएम्प्लॉयड हैं, उनके लिए भी ये समय अनुकूल है। अगर आपने अपने प्रयास से आपको सफलता नहीं मिल पा रही है तो मार्च के महीने में किसी रेफरेंस से या किसी के जरिए आप जो है अपनी जॉब को ज्वाइन कर सकते हैं, तो आपके लिए अनुकूल समय बना रहेगा। आगे बात करते हैं आपकी आर्थिक स्थिति। आपकी आर्थिक स्थिति या धन की स्थिति मार्च के महीने में कैसे रहने वाली है।
धन की स्थिति में काफ़ी अच्छी देखता हूँ। यहाँ पर नया लाभ और नई प्रकार की जो है कह सकते हैं कि जो आपके व्यापार में जो वृद्धि हुई या जो आपके कार्य क्षेत्र में वृद्धि हुई है उससे आपकी धन में वृद्धि होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। हाँ, हो सकता है कि यहाँ पर आप एक सावधानी आपको जरूर बरतनी है, किसी यहाँ पर मतलब कैश हम कह सकते हैं या धन जो है किसी को देना नहीं है, खास करके बड़े अमाउंट में तो बिल्कुल नहीं देना है। अगर वो आपने दिया तो मार्च में तो नहीं, बट आगे चलकर आपको उस धन से हाथ धोना पड़ सकता है। तो धन का जो यूज करेंगे, किसी की हेल्प करेंगे, सोच समझ करेंगे तो आपकी धन की स्थिति अच्छी बनी रहेगी। तो दर्शकों, यह राशिफल सामान्य ज्योतिष आकलन पर बनाया गया है। हो सकता है यह राशिफल आपकी राशि से भिन्न हो और इस शंका का समाधान के लिए आप एस्ट्रोलॉजी पर मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। मुझसे कंसल्ट करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करें। तो दर्शकों, 7 मार्च को राहु और केतु गोचर प्रवर्तन कर रहे हैं, इस पर हमने एक अलग वीडियो बनाई है, आप नीचे लिंक पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो दर्शकों, इस वीडियो में इतना ही, जल्द हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए एस्ट्रोलॉजी।